हेलो बच्चों, आज इस स्टूडियो में क्या करेंगे, एक इंटीग्रेशन एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इसको इंटीग्रेशन करना है। ओके, दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, ये तो डिफिकल्ट है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, हमको सिर्फ बेसिक याद रखना चाहिए। देखिए, सो एक्स क्यूब माइनस वन होल इज टू वन बाई थ्री, मतलब एक क्यूब रूट है इन टू एक्स इज टू फाइव है। ओके, तब अभी क्या करेंगे, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट मतलब इस डायरेक्ट इसको इंटीग्रेशन किया तो हमको इंटीग्रेशन नहीं आएगा, इसलिए सब्स्टिट्यूट करके वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तभी हमको आंसर मिलेगा। ये तो बहुत ही सिंपल है। लेट अस सी, अभी क्या लेंगे हम, इसको क्यूब रूट है। ओके, सो एक्स क्यूब माइनस वन रेस्ट टू वन बाई थ्री, मतलब है क्यूब रूट है। दिस इज इक्वल टू, हम क्या लेंगे, टी करके लेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, क्यूब करेंगे हम, इसको क्यूब करना है। ये हो गया एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब रूट, क्यूब रूट वन बाई थ्री, इसको क्यूब करना है, दोनों साइड क्यूब करना है। हो गया क्यूब, उसके बाद क्यूब क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज रिमेनिंग, दैट इज एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू टी क्यूब। ठीक है, उसके बाद हम क्या करें, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट किया तो थ्री एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू, इसको भी डिफ्रेंशिएट किया तो थ्री टी स्क्वेयर डी टी हो जाएगा। ठीक है, नाउ इधर थ्री थ्री कैंसल, नाउ देयर फोर एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वेयर डी टी हो गया। अभी इसको ही इन्हीं रिजल्ट को इधर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा हमको। ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। ओके, सिर्फ यही मेन पार्ट है इसमें। नाउ आई इज इक्वल टू, कैसे ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन वन बाईस टू वन बाई थ्री एक्स टू फाइव डी एक्स है। अभी एक्स टू फाइव ना, इसको स्प्लिट करेंगे। कैसा स्प्लिट करेंगे, लेट अस सी। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन होल रेस टू वन बाई थ्री, इसको हम कैसे लेंगे, एक्स क्यूब लेंगे एंड एक्स स्क्वेयर लेंगे। एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वेयर, दैट इज एक्स टू फाइव डी एक्स। सो इस तरह क्यों स्प्लिट किया, बिकॉज एक्स स्क्वेयर डी एक्स इक्वल टी स्क्वेयर डी टी, इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इधर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ए भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ए भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इसलिए एक्स टू फाइव को एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर करके स्प्लिट किया है। नाउ देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अभी ये देखिए एक्स क्यूब माइनस वन होल टू वन बाई थ्री क्या है, टी करके, इसको टी करके लिखेंगे। ठीक है, बाद में एक्स क्यूब भी होता है, सी एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू टी क्यूब है, हम इसको एक्स क्यूब लिखेंगे कैसे, टी क्यूब प्लस वन, ए वन इस साइड आ जाएगा, टी क्यूब प्लस वन हो जाएगा। सो एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी क्यूब प्लस वन, ए भी हो गया। देन एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या है, टी स्क्वायर डी टी है, दैट इज ए टी स्क्वेयर डी टी। देखिए एक्स वेरिएबल बिकम टी वेरिएबल, एक्स बिकम टी, डी एक्स बिकम डी टी। अभी इंटीग्रेशन हो सकता है, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसलिए सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। नाउ दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, नाउ इसको टू को अंदर ले लो। ओके, ये हो गया टी रेस टू फोर प्लस, मल्टीप्लाई करो टी, बाद में टी स्क्वेयर बाहर है, इसको भी अंदर लेना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में टी स्क्वेयर अंदर ले लो, टी रेस टू फोर टी रेस टू फोर इंटू टी स्क्वेयर, दैट इज ए टी रेस टू सिक्स प्लस टी इंटू टी स्क्वेयर, दैट इज ए टी क्यूब डी टी। अभी देखो तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला करना यूज करना पड़ेगा। और एक स्टेप है इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ अलग अलग करेंगे इधर, टी स्क्वेयर इधर, टी स्क्वेयर डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब डी टी हो गया। सी दैट ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला, यू नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू एन डी एक्स, एक्स टू एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी, यही फॉर्मूला इन दोनों टर्म में यूज करना पड़ेगा आपको। इधर उधर एक्स है, इधर टी है, एन के जगह में सिक्स है, इधर एन के जगह में थ्री है, उतना ही फर्क है। ओके, नाउ देयरफॉर आई इज इक्वल टू, सो फर्स्ट अप्लाई करेंगे टी रेस टू सिक्स प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स प्लस वन, फर्स्ट हो गया, बाद में सेकेंड लेंगे प्लस टी रेस टू एन, एन इज वॉट थ्री है इधर, सो टी रेस टू थ्री प्लस वन डिवाइड बाई थ्री प्लस वन प्लस लास्ट में इंटीग्रल कॉन्स्टेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, नाउ सो दैट इज इक्वल टू, दैट इज ए टी रेस टू सेवन बाई सेवन प्लस टी रेस टू फोर बाई फोर प्लस सी। नाउ देयरफॉर आई इज इक्वल टू, टी के जगह में हम सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, टी क्या है,
एक्स क्यू माइनस वन होल्स टू वन बाई थ्री, यही इधर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। देयर फोर दैट इज ए एक्स क्यूब माइनस वन होल्स टू वन बाई थ्री, ये टी हो गया, रेस्ट टू सेवन है डिवाइड बाय सेवन, प्लस सेम वही है एक्स क्यूब माइनस वन रेस्ट टू वन बाई थ्री होल्स टू फोर डिवाइड बाई फोर प्लस सी। और एक स्टेप भी लिख सकते हैं इसको हम, सो ये क्या है पावर है ना, लेट अस सी इट इज हाउ इट इज, एक्स क्यूब माइनस वन रेस्ट टू वन बाई थ्री इंटू सेवन है, इसको सेवन बाई थ्री डिवाइड बाई सेवन इस तरह भी लिख सकते हैं हम। प्लस ये स्टेप देखिए एक्स क्यूब माइनस वन फोर, ये वन बाई थ्री इंटू फोर है, इसको फोर बाई थ्री डिवाइड बाई फोर प्लस सी। इस तरह से हम आसानी से वेरिएबल चेंज करके सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट मेथड करते हैं कहते हैं। अगर आप वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी दीजिए। सब्सक्राइब करें तो आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। आपको दूसरी मैथमेटिक्स वीडियो चाहिए तो मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, आई बटन में भी कुछ लिंक्स है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।